दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें दादाजी बच्चों को बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनाते हैं, तो आज उस कहानी का ये एपिसोड 2 है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं सुना है तो आप उसे सुन सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आगे की कहानी। वो सब तो ठीक है दादाजी, लेकिन क्या आपका किसी अजीब सी चीज से सामना नहीं हुआ? अतुल ने कहा। अब जब तुमने ये बात कही दी तो मुझे एक बड़ा डरावना किस्सा याद आया है, मैं उसे कभी भुला नहीं सकता। बहुत ही डरावना अनुभव था वो, और जिससे मेरा सामना हुआ था वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, मारवा था। मारवा ये एक ऐसी आत्मा है जिसे पता ही नहीं होता है कि उसने अपना शरीर छोड़ दिया है। वो मरने के बाद भी वैसे ही जीवन जीती रहती है जैसे जिंदा होते हुए जी रही थी। कुछ महीने मैंने शहर में जाकर ड्राइविंग का काम किया था। उस समय मेरे साथ एक आदमी काम करता था, उसका नाम था सुंदर। वो मेरे साथ रात के सफर में दूर दूर तक जाया करता था। वो साल मुझे अच्छे से याद है, हम सुबह 4 बजे ट्रक में सामान डालकर निकल जाया करते थे और 48-48 घंटों तक का सफर तय करते थे। हमारी जिंदगी मानो काम करने में ही बीत रही थी। यूं समझ लो हम अपने कामकाजी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। कभी कभी तो हम एक एक हफ्ते घर भी नहीं जाते थे। तो दोस्तों, आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अनजान साये को महसूस किया है? क्या आपको भी मेरी तरह ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है? अगर हाँ, तो छलावा केवल आपके लिए ही बना है, जो कि आपको मिल सकता है केवल 8 ऐप पर। जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को बेस्ट ऑडियो स्टोरीज रिकमेंड करता रहता हूँ, तो इस बार का मेरा रिकमेंडेशन है छलावा, जहाँ लास्ट टाइम साया ने आप लोगों को मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर ये सब महसूस कराया, वही छलावा आपको रियल सुपर नेचुरल पावर्स को महसूस कराएगा। विक्रमजीत एक फियरलेस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो कि भूत, प्रेत, जिन ये सबका सामना करते हैं। उनकी हिम्मत और बुद्धि को टेस्ट करते हैं ये सुपर नेचुरल स्पिरिट्स, और सुनिए उन रहस्यों को जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। ये छलावा आपको कराएगा पैरानॉर्मल के उस बार का एक्सपीरियंस जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि 8 ऐप की ऑडियो क्वालिटी भाई साहब एकदम नेक्स्ट लेवल की है, तो ये तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जब आप इनकी स्टोरी सुनोगे ना तो भाई साहब आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का फील होगा। तो यार देर किस बात की है, 8 ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से भी जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। तो एक बार की बात है, जब हम दोनों कहीं जा रहे थे, शाम के 5 या 6 बजे होंगे उस समय। वो रास्ता बड़ा ही घुमावदार था। उस समय सुंदर ट्रक चला रहा था। अचानक रास्ते में एक मोड़ आया, लेकिन सुंदर ने हॉर्न नहीं दिया। जैसे ही गाड़ी मुड़ी, वैसे ही अचानक मैंने अपने ट्रक के सामने एक कार को देखा। ये देखकर सुंदर डर गया और हड़बड़ाहट में वो ट्रक को काबू नहीं कर पाया। दोनों गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। और उस हादसे में सुंदर और वो कार वाला दोनों मारे गए। मेरी भी हालत बहुत गंभीर थी। सुंदर को सीधे सर पर चोट लगी, इसलिए वो बेचारा मर गया। मैं 15 दिनों तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, और जब होश आया तो सुंदर के बारे में पता चला। जब मैं कुछ हफ्तों के बाद ठीक हुआ तो वापस ट्रक का काम शुरू कर दिया मैंने, और उन दिनों जो मेरे साथ हुआ था वो मैं भूल चुका था। तो एक रात मुझे मेरे मालिक का कॉल आया, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुरंत आंध्र प्रदेश के लिए निकलना होगा। मैं चला गया उनके पास, तब ट्रक में सामान लोड हो रहा था। जब सामान लोड हुआ तो मैं जाकर अपनी ड्राइविंग सीट में बैठ गया, और मेरे पीछे 2-3 और ट्रक खड़ी हुई थी। जैसे ही मैं ट्रक में बैठा और ट्रक चालू किया,
तो मेरे ट्रक के दूसरी तरफ का दरवाजा खुल गया और मैंने देखा कि सुंदर ट्रक में चढ़ रहा है। वो मेरे बगल में बैठ गया और बोला, चलो उस्ताद, बहुत लंबा सफर तय करना है। वो हमेशा मुझे वो बात बोला करता था। मैं उसे चौंक कर देख रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा, तुम तो मर चुके हो ना यार। मेरी बात सुनकर न जाने उसे क्या हुआ, वो गुस्से में बोला, अरे उस्ताद क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूँ और मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं बड़ा आदमी नहीं बन जाता। मैं तुरंत ट्रक से उतरकर भूत भूत चिल्लाने लगा। बाकी के ड्राइवर आए और उन्होंने ट्रक के अंदर देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा, अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो, चलो जल्दी बहुत दूर जाना है। वो लोग अपने अपने ट्रक में चले गए। मैंने ट्रक के अंदर देखा और फिर आसपास देखा, जब कोई नहीं दिखाई दिया तो मैं ट्रक में बैठकर वहां निकल गया। मुझे फिर वो सब मेरा वहम लगने लगा। फिर मैं कुछ पुराने गाने सुनते और गुनगुनाते हुए आराम से ड्राइव कर रहा था। हम शहरी इलाके से निकलकर सुनसान रास्ते में पहुंच चुके थे। पीछे जो दो तीन ट्रक आ रही थी वो फिर मेरे ट्रक के आगे आगे जाने लगी। कुछ देर के बाद मुझे किसी ने कहा, अरे उस्ताद जरा पानी दो तो। मैंने जैसे ही वो सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बगल में सुंदर बैठा हुआ था। मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिया और उसे देर तक घूरता रहा। मेरे सामने उसने पानी की बोतल ली और पानी पीने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उसने फिर से कहा, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुम देखना उस्ताद एक दिन ड्राइवर से मालिक कैसे बनता हूं मैं। मैंने कहा, तुम सच में नहीं हो, तुम मर चुके हो यार। लेकिन वो मुझे बस घूर घूर कर देखने लगा। चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी दुनिया कोई और है, तुम मर चुके हो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो बस मुझे घूरे जा रहा था। मैंने आगे जाने वाले ट्रकों को देखा, लेकिन तब तक वो इतने आगे निकल गए थे कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे थे। मैंने फिर से सुंदर की ओर देखा, लेकिन ये देखकर चौंक गया कि वो वापस गायब हो चुका है। मैंने ट्रक के बाहर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं बस वहां से निकल गया। कुछ घंटों के बाद हम सब एक ढाबे पर रुके खाना खाने के लिए। करीब 11 बज रहे थे उस समय। मैं ढाबे में हाथ धोने के लिए गया था और जब हाथ धो रहा था तो मैंने देखा कि कोई मेरे बगल में खड़ा हुआ हाथ को धो रहा था। मैंने उसकी ओर देखा तो वो कोई और नहीं सुंदर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उसकी आत्मा बार बार क्यों दिखाई दे रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं अपने साथियों के साथ जाकर बैठ गया। वो लोग खाते हुए कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मेरे पसीने छूट रहे थे क्योंकि सुंदर भी मेरे सामने बैठा हुआ हंस रहा था। खाना खाने के बाद मैं वापस ट्रक में जाकर बैठ गया। फिर सुंदर भी ट्रक में आ गया और तब मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, अरे क्या चाहते हो तुम? तुम मर चुके हो, तुम्हारी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है भाई, अरे चले जाओ यार यहाँ से। ठीक है, विश्वास नहीं है ना, तो जाओ अपने घर और देखो कि तुम्हारे मरने का शोक अभी तक चल रहा है। ये सुनकर सुंदर मुझे कुछ देर तक घूरता रहा। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पता नहीं वो क्या कर देगा। लेकिन अचानक वो गायब हो गया। डर के मारे मुझे वही तेज बुखार हो गया और मेरा सिर घूमने लगा। मैंने अपने साथियों से कहा कि मैं आगे ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, तो उनमें से एक आदमी ने ड्राइव किया और हम आंध्र प्रदेश पहुंच गए। वहां से हम घर वापस भी आ गए, लेकिन ढाबे के बाद मुझे सुंदर दिखाई नहीं दिया। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि कोई आत्मा तब तक भटकती है जब तक उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो जाए, और सुंदर की ख्वाहिश थी कि उसे बहुत बड़ा आदमी बनना है, जो कि अब पूरी नहीं हो सकती थी। मुझे यही बात खाए जा रही थी कि वो मुझे क्यों दिखाई दे रहा था।
फिर ख्याल आया कि शायद मरने से पहले वो मेरे साथ था, इसलिए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, सब कुछ ठीक हुआ, सुंदर मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मैं निश्चिंत हो गया ये सोचकर कि अब वो सच में चला गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन मैं उसके घर के सामने से गुजर रहा था और तब जो नज़ारा मैंने देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके घर के अंदर से तीन तीन अर्थियां निकल रही थी जो उसके माता पिता और पत्नी की थी। ये देखकर एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूँ। उन अर्थियों को शमशान ले जाया जा रहा था और उनके साथ एक पंडित भी थे। मैंने उन्हीं से पूछा, पंडित जी ये क्या हुआ है इन्हें? तो उन्होंने कहा, हरिओम हरिओम, किसी ने मार डाला इन्हें, डॉक्टर की जांच हो गई है, अब इन्हें शमशान ले जा रहे हैं। ये कहकर वो चले गए। मैं वहीं खड़ा रहा। तभी वहां खड़े एक आदमी ने कहा, अरे भैया बड़ी बुरी तरह से मरे हैं बेचारे, सबसे पहले मैंने ही इनकी लाश देखी थी। उसके माता पिता की आंखें गायब थी और उसकी पत्नी के मुंह में लोहे का रॉड घुसा हुआ था, और पोस्टमार्टम के हिसाब से इनकी मौत 2 दिन पहले हुई है। और देखो ना, किसी को पता भी नहीं चला कि उनका शरीर पिछले 2 दिनों से घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था। न जाने किसने किया है ये सब। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि ये काम सुंदर का हो सकता है। वहां से भागकर मैं यहाँ गांव आ गया ताकि सुंदर से दोबारा मेरा सामना ना हो। करीब 2 महीने बीत गए उस बात को, सुंदर कभी मेरे सामने नहीं आया। फिर एक बार एक पुजारी यहाँ आए थे। उनके लिए कहा जाता था कि वो काफी जाने माने पंडित थे। मैंने उनसे सुंदर वाले किस्से के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों की ऐसे हादसे में मौत हो जाती है या जिनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, उनकी आत्माओं को मरने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो जिंदा हैं, यानी उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वो मर चुके हैं, और ऐसी आत्माओं को मारवा कहा जाता है। और जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि वो मर गए हैं तो अक्सर ख्वाहिश पूरी ना होने की वजह से वो एकदम पागल से हो जाते हैं और लोगों को अपने वश में करके उन्हें ही मार देते हैं। तो ये थी सुंदर की पूरी कहानी। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये सेकंड एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।